कहानी 6 परमेश्वर इसहाक खातर इंतजाम करे है। जद अब्राम बहुत बड़ो हो गयो हो फिर बिंगो पुत्र इसहाक एक ब्याह की उम्र गो हो गयो हो। ई खातिर अब्राम अपने एक सेवक ने आपके पुत्र इसहाक खातिर बी देश मु एक पत्नी लियान खातिर भेजो जठे बिंगा रिश्तेदार रेंता। जठे अब्राम का रिश्तेदार रेंता बी देश ने जान खातिर एक बड़ी लंबी यात्रा के बाद परमेश्वर बी सेवक की मुलाकात रिबका सागे करवाई। बा अब्राम के भाई की पोती ही रिबका आपके परिवार ने छोड़ गए बी सेवक के सागे वापिस जान खातिर मानगी। जिया ही बे घर पहुंचा इसहाक बी मुँह ब्याह कर लियो। एक लंबे समय के बाद अब्राम मर गयो। फिर परमेश्वर अब्राम का पुत्र इसहाक ने अब्राम के सागे बांधी वाचा की वजह मुँह आशीष देई। बी वाचा मुँह परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा ही के अब्राम का अनगिनत वंशज होगा। पर इसहाक की पत्नी रिबिका गए संतान पैदा कोनी हुई। इसहाक रिबिका खातिर प्रार्थना करी अर परमेश्वर जुड़वा बच्चा को गर्भ धारण करन की बरकत दी। जी समय बे वाचा रिबिका गए गर्भ में ही वो बे आपस में लड़न लाग गया। ई खातिर जिको की होए आवा हो रिबिका वो परमेश्वर ने बता दियो। परमेश्वर रिबिका ने कहो तू दो पुत्रा ने जन्म देवेगी। बांगा वंशज दो अलग अलग जातियां बनेगी। वे एक दूसरे मुँह लड़ेगा पर बड़े पुत्र मुँह पैदा होने वाली जाति ने छोटे पुत्र मुँह आन वाली जाति की आज्ञा माननी होगी। जद रिबिका गए बच्चा को जन्म होयो तो बड़ो पुत्र लाल अर रोएदार हो अर बां बिंगो नाम एसाव रखियो। फिर छोटे पुत्र एसाव की एडी ने पकड़े होयो जन्म्यो अर बां बिंगो नाम यकूब रखियो।